कमाल का ये शॉट उठा पटक बाउंड्री गई है चार। कमाल का किया है वार। इस चार के साथ स्कोर में इजाफा होगा 23। विकेट के खाते में अभी भी शून्य है। रनआउट होने खतरा। अभी तक कप्तानी इस तरीके की दिखती नहीं है। उस्मान से हमेशा थोड़ा सा एग्रेसिव रहते हैं, मगर अब तक वो शांत है। वो शांत है, इसका मतलब कुछ अलग होने वाला है। अभी एक और बाउंड्री आता हुआ। पहला ओवर सुदाम का ठीक ठाक था, क्या उसे दूसरा ओवर लाया जा सकता था? मटक मटक गजकिल फटक फटक। सत्ताईस रन। चलिए ये बचाया है, इनको छोड़ेंगे नहीं। इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसको भी बचाया था। ये तो आसान सा था इनके लिए। महाकाल कप दुर्गापुर सीजन वन में वाइट बॉल 28-28। अट्ठाईस अब तक बन चुके हैं। पांच ओवर में ना कम से कम आपको 40 प्लस तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी लाइनअप है ना, चाहे वो सुदाम हो चाहे वो उस्मान हो, काफी बड़ी बैटिंग लाइनअप है यार। कमाल खेलता है ये, लाजवाब खेलता है। बाउंड्री तो आई थी, मगर उसके बाद अच्छा कमबैक। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तीन ओवर समाप्ति में कुल स्कोर बना है 28 रन। 28 विकेट के खाते में अभी भी शून्य है। नो लॉस, कोई विकेट ही नहीं गवाया है। जिस तरीके शुरुआत हुई थी, ऐसा प्रतीत हुआ था कि कम से कम एक दो विकेट ले सकते हैं। सुदाम का वो अच्छा ओवर था, उसके बाद वो आए नहीं। उस्मान गेंदबाजी के लिए अमूमन उतनी ज्यादा दिखाई नहीं देते, जब वो जरूरत पड़ते तब आते हैं और अच्छा करते भी हैं, मगर अब वो चाह रहे हैं कि कम से कम 40 से नीचे रोका जाएगा। 40 से नीचे रुकती है ना तो फिर अच्छा दिखेगा, वो अच्छी फाइट या फिर कहे तो आसानी के साथ चीज। इस टूर्नामेंट में ये सातवां मुकाबला, मगर चीज सिर्फ एक ही हुआ है, वो आसानी के साथ हुआ था, और क्या ये दूसरा होगा? इतनी आसान रहती नहीं है। लाइट के सामने बैटिंग वैसे इफेक्टिव दिखती है, मगर चेज करने टाइम थोड़ी सी डिफिकल्ट सी हो जाती है। क्या इसमें चेज करके उस चीज को बदलने को तैयार रहेंगे उस्मान? एक्सपीरियंस होल्डर, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल और अच्छी तरीके से कर रहे हैं। कप्तानी अभी तक अच्छी दिखी है। सिंगल दे रहे हैं, क्या दुरुस्त भी आएंगे? सिंगल उतना ज्यादा दिखता नहीं है, और कहा था कि प्रिंस मैक्सवेल ने कहा था कि सिंगल हम सब में उतना बिलीव नहीं रखते हैं, कम से कम 15-20 चौके तो आसानी के साथ लगा देंगे। शॉट अंदर आई है, सीधा गेंद को बाहर भेजा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था कैच, बन सकता था आसानी कहा जाए, क्योंकि आप जिस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ऐसे कैचेस आपको पकड़ने पड़ेंगे, और जब बल्लेबाजी अच्छी हो रही है तो ऐसे और पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद आखिरी ओवर, सिंगल आसानी के साथ, अगर पिच पे रख के आप खेलोगे तो सिंगल आसानी के साथ आएगा। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 34 रन। डालने के लिए आए हैं कप्तान साहब आए हैं, क्या कप्तान साहब छाएंगे? जब जब जरूरत होती है ना, कप्तान चलते हैं सीना तान, तभी तो कहलाते हैं आप अच्छे उच्च कोटि के कप्तान।
उस्मान शॉर्ट एंड क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, एक जबरदस्त कप्तान और एक अच्छी टीम के साथ आज महाकाल कप सीजन वन में आए हैं, इस ट्रॉफी को जीतने के लिए आए हैं। नौ बॉल के साथ शुरुआत, अंपायर इंपैक्टफुल अंपायरिंग पूरे टूर्नामेंट में अभी तक। ये देखिए पहला थोड़ा सा वो हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और हैं। वो पहला थोड़ा सा बाउंसर का इस्तेमाल, बल्लेबाज को थोड़ा सा डराया, उसके बाद थोड़ी सी अंदर लाई शॉर्ट पिच गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं, डॉट बॉल। ये भी अच्छा क्षेत्ररक्षण है, क्षेत्ररक्षण से कम दो या तीन बाउंड्री तो अब तक ये टीम बचा चुकी है। शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। ये थोड़ी सी बाहर और गेंद जाएगी सीधा चार रनों के लिए, साल के साथ स्कोर नहीं जा पाता हुआ 40 रन, विकेट अभी तक एक भी नहीं गवाया है। गोपाल और शुभान को 18 और 17। चलिए अच्छा है, ये इसी बॉल की कोशिश कर रहे थे, थोड़ी सी बाहर गए थे 40 के स्कोर पर। ये आपको पकड़ना चाहिए था, ये दिख तो रहा था पकड़ेगी मगर ये सीधे बाहर, यानी स्कोर पहुंच चुका है 44। एक अच्छा टोटल और अच्छा माना इसलिए जा रहा है क्योंकि चीज उतनी आसानी के साथ नहीं होते हैं, नहीं देखा हमने चीज होते हुए उतनी आसानी के साथ। क्या बचा पाएंगे दो रन आसानी के साथ। और आज इस टूर्नामेंट का ये पहला डबल यानी दो रन, 47 का टारगेट, एक बड़ा टारगेट माना जा रहा है क्योंकि चेज अब तक नहीं हुए ज्यादा रन। अब देखते हैं कि चेज होगा या नहीं, हो सकता है क्योंकि बल्लेबाजी लाइनअप अच्छी है, अच्छी तरीके से बल्लेबाजी दिख तो रही है। अब क्या होगा, 47 का टारगेट, 46 बना है, 47 आपको बनाने पड़ेंगे। उस्मान क्या चलेंगे, सीन आतान या फिर होंगे परेशान। तो आने वाले 5 ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे मैन फ्रॉम जंगल महल मतलब स्विंग मतलब